सामने भी देख ले, फोन चलाई जा रहा है, गाने चला दिए, मैंने व्लॉग स्टार्ट करा था यार अभी। हाय गाइस, तो चलिए शुरू करते हैं। वेलकम बैक टू आवर चैनल, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सब? बस बढ़िया, आप बताओ? मैं तो एकदम बढ़िया, एज यूजुअल। मैंने सबकी तरफ से रिप्लाई भी कर दिया। एज यू गाइस नो कि हमने अभी नया नया घर खरीदा है, मतलब फ्लैट खरीदा है, तो हम लोग थोड़ा सा उसमें अभी बिजी चल रहे हैं कि इधर से उधर सारे टाइम लगा रहता है, कभी इंटीरियर वाले से मिलना, कभी कुछ मिलना, कभी कुछ मिलना। तो आज हम जा रहे हैं, डस सनस्क्रीन प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम टैनिंग। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये? दिख नहीं रहा था, मैं व्लॉगिंग कर रहा हूं। डस की जगह पता है इसने डिटेक्ट किया, 10 10 0। ते दांत में कुछ लग रहा है काला, खा ले। क्या क्या बोला तूने? नहीं, पहले क्या बोला? चल, सच में लग रहा है। हां जी, तो आज हम जा रहे हैं शॉपिंग के लिए घर की, तो मैंने सोचा आज हम आपको दिखाएं कि हम क्या क्या ले रहे हैं, बट हम आपको सब कुछ नहीं दिखाने वाले हैं ऑफ कोर्स, क्योंकि वो सब आपको दिखेगा जब हम घर शिफ्ट हो चुके होंगे, होम टूर में सब कुछ दिखेगा। लेकिन आज हम जहाँ जा रहे हैं वो हम आपको थोड़ा थोड़ा दिखाते रहेंगे, हिंट 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 हिंट, यू नो, जिससे आप भी क्यूरियस रहो कि हम क्या क्या कर रहे हैं अपने घर के लिए। यार सनस्क्रीन नहीं बचाती टैनिंग से। किसने कहा? नो लिखा है, नो, यू मे नॉट, मे और मे नॉट will get a slight tan even if you do wear a sunscreen. तो slight ना, अगर हम apply ही नहीं करेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा ना। अच्छा, remember sunscreen acts as a filter. It can't prevent your skin exposure to the sun 100%. So you can still tan at some level. मतलब कुछ तो बचाता होगा। बाकी आप में से किसी को पता है इस बारे में कुछ तो बताना कमेंट्स में, इतना मुझे पता नहीं इस बारे में। इतने दिन से सनस्क्रीन लगा रहा है लेकिन आज पता नहीं इसको सनस्क्रीन पे क्यों डाउट हो रहा है। डाउट नहीं हो रहा, मेरे को ऐसा लग रहा है कि ऐसा ना हो ना कि सन से होने वाली कोई स्किन बर्न इस टाइप की चीजों से ही बचाती हो। ऐसे तो नहीं होता है, और हम टैनिंग समझ के लगाते रहते हैं कि टैनिंग। अब याद करो, आप जब मनाली गए थे तब आपने लगाया नहीं था ना सनस्क्रीन, वहाँ पे एक भी दिन तो काले हो गए थे ना। अब यहाँ पे आप सनस्क्रीन लगा के निकलते हो तो काले हो रहे हो। अब मुझे पता नहीं ना, मैं इतनी धूप में निकलता नहीं ना जितना मनाली में, तो बाहर ही डायरेक्ट सनलाइट में बैठे थे। तो गाइस घर की शॉपिंग से पहले हम लोग जा रहे हैं शिवम का कंप्यूटर ठीक करवाने के लिए, क्योंकि उसका कंप्यूटर में पता नहीं क्या हो गया, उसकी पावर सप्लाई फूक गई है, बेचारा 2 दिन से काम भी नहीं कर पा रहा। हम लोग कल भी गए थे ठीक करवाने के लिए लेकिन जो पावर सप्लाई चाहिए कल वो मिली नहीं, तो अब आज दोबारा से जा रहे हैं। धक्के खा रहे हैं, क्या हो गया? कोई बात नहीं, इसको इतनी इरिटेशन होती है ना ऐसी चीजों से, धक्के खोने तो सर्वेंट रख लो फिर ऐसे कामों के लिए। भाई सब कुछ ज्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी। तो ये आ गए हैं हम कंप्यूटर लेके यहाँ पे ठीक करवाने के लिए। ये देखो परेशान आत्मा। क्या हो गया? ये भगवान, ये इंसान इतना सोता है भाई, क्या बताऊं मैं आपको। तो अभी हम लोग निकल चुके हैं कंप्यूटर ठीक करवा के, मतलब अभी वो पूरा ठीक नहीं हुआ है, उन्होंने अभी एक हफ्ते के लिए जुगाड़ कर दिया है, क्योंकि ये उनके पास अभी एक कितने दिन के लिए छोड़ना पड़ता, 4-5 दिन छोड़ना पड़ता, 4-5 दिन के लिए उनके पास छोड़ना पड़ता, और इसको है बहुत सारा काम, तो फिर अभी हमने वो छोड़ा नहीं। कितनी देर का रास्ता दिखा रहा है? 4:30 2:45। तो अभी हम जा रहे हैं हमारे, कैसा लगता है, कैसा फील हुआ? मजा आया। कैसा फील हुआ? तो अभी हम जा, कैसा फील हुआ? क्या है बेवकूफ आदमी? अच्छा, जब खुद कर रही है इसका मतलब तू बेवकूफ औरत। हाँ, पागल औरत, तुझे अक्ल है? तो मैंने क्या, तो मैं बेवकूफ आदमी? हाँ, तो तू बेवकूफ औरत। हाँ, बोल मैं बेवकूफ औरत, मैं क्यों बोलूं? अभी हम जा रहे हैं घर के लिए वैनिटी और बेसन वगैरह देखने के लिए, वॉश बेसन वगैरह। नहीं वो सब तो लेना, लेकिन ये और ये क्या कर रहे हो? ये ऐसे ही बोलते, वैनिटी और बेसन लेने जा रहे हैं, नॉर्मली बता दे वैनिटी और वॉश बेसिन लेने। गाइस ये ना ब्लॉगिंग करने में तो बिल्कुल डिसइंटरेस्टेड होता है, जो मैं थोड़ी बहुत कर भी रही होती ना आप लोग को बताने के लिए, उसमें भी ये सब करता है। अच्छा क्या है वो? मैं आगे तो घर ना ना, मैं इन चीजों का हाथ उठाना क्या सीन है लगा? मुझे भी लगा सेम इक्वल।
हाथ उठाने में मैं इक्वल रहता हूँ भाई, हाथ उठाना ना मैं टॉलरेट करता, ना मैं खुद करता, ना मैं टॉलरेट करता। मुझसे बात मत करियो। तो क्या करूँ, प्यार करूँ आपसे? ओह माय गॉड, कुछ मत कर, चुप होके बैठा रहा। अच्छा बता दे, वो वैनिटी लेने जा रही हूँ तो बता दे। चल अब हम जा रहे हैं बाथरूम सेट करने, अब हम जा रहे हैं किचन का सामान लेने। ऐसे बताया करना सबको। अच्छा चल बता दे, इसका मुंह नोच दूं। ऐसे तुमने सुना होगा कि पति अपने पत्नियों को मारते हैं, लेकिन यहाँ उल्टा हिसाब है। नहीं उल्टा नहीं है, यहाँ ये भी मारता है, मैं भी मारती हूँ। मैं तो नहीं मारता, मैं तो, तू मारती है तो उसके बदले हल्का सा तेरे को फील करा देता हूँ बस, कि भाई इट हर्ट्स। इट क्या हर्ट्स? इट हर्ट्स। रहने दे, अभी तू मुझसे बात मत कर, मैं तुझसे वैसे भी गुस्सा हूँ। अबे क्या चला रहा अंकल, बीच में ला के खड़ी कर दी गाड़ी। गाड़ी गाड़ी गाड़ी। ऑल्सो गाइज, जो हमारा सॉन्ग का BTS आना, जो अभी हमने मनाली में शूट करा है, वो हम अभी नहीं डाल रहे हैं, वो हम डालेंगे 1st week या 2nd week में, जब सॉन्ग रिलीज होगा तब, क्योंकि अभी हम उसका सब कुछ आउट नहीं कर सकते हैं। ऑल्सो उस व्लॉग में आपको बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि उसमें हमने सब कुछ दिखाया है शूट के बारे में भी, कैसे मैंने -11 degrees Celsius में साड़ी पहन के शूट करा है, और भी बहुत कुछ हुआ है उसमें, तो उसके लिए स्टे ट्यून्ड। तो यहाँ पे आ गए हैं हम बेसिन फाइनल करने के लिए, काफी वैरायटी है यहाँ पे, अभी हम कंफ्यूज हो रहे हैं, तो हम थोड़ी कस्टमाइज करवाने वाले हैं। ये रहे हमारे भैया जो हमारा पूरा इंटीरियर कर रहे हैं। भैया हाय बोल दो। हाय, आप अपना नाम बता दो फटाफट से। मेरा नाम रंजीत सिंह। और ये भैया बहुत स्वीट है, ये सारा हमारा इंटीरियर यही कर रहे हैं। और लास्ट में व्लॉग में आपको पता लग जाएगा इंटीरियर कैसा निकल के आ रहा है, तो सारे क्रेडिट जो हम होम टूर डालेंगे उसमें पता चलेगा आपको। और जो सारे क्रेडिट्स होंगे वो सारे के सारे इंटीरियर भैया को ही जाएंगे। यस। तो गाइस एक बेसन ये वाली फाइनल हो रही है, और एक ये वाली वैनिटी के साथ ही फाइनल हो रही है। तो हम लोग निकल चुके हैं अभी, बेसिन्स और मिरर्स और छोटी मोटी जो वॉशरूम की चीज़ें होती है ना, वो सब फाइनल करके, और अब हम जा रहे हैं लाइट्स फाइनल करने। उसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, क्योंकि मुझे बहुत क्यूट क्यूट सी और बहुत अच्छी अच्छी डिज़ाइंस फाइनल करनी है। और इनको आप देख सकते हैं, ये कुछ नहीं बोलते हैं, इनको व्लॉगिंग में रद्दी भर इंटरेस्ट नहीं है, ये ऐसे बैठे रहते हैं। क्यों ये बोले जा रही है? क्योंकि तुझे इंटरेस्ट ही नहीं है ऐसे, बस ऐसे अच्छा, बैठा हुआ है। तेरे को लग रहा है कि मैं बिल्कुल छोड़ दूंगा? वो रद्दी भर है या रत्ती भर होता है, अगर ज्यादा जो भी है उसको वो बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। समझ रहे हो, समझ रहे हो? देख रहे हो भाई, मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, बोलने देरी काट रही है, ना बोलूं तो गरीब बोलता नहीं, आप समझ पा रहे हो कितनी इरिटेटिंग है? खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। हाथ कितने तेज मारो तू, टच कर मेरे को, आज बहुत ज्यादा हो रहा तेरा ये। अच्छा तू स्टार्टिंग तेरी हो रही है, मैं एंडिंग कर रहा हूँ सिर्फ। तूने पता कितने तेज मारा मैंने? ईंट का जवाब पत्थर से दे रहा हूँ, गलती से लग गया, इतना देर मारना नहीं था वो मुझे पता है। मैंने बहुत देर में मारा था, मैंने सिर्फ टच करके ऐसे किया था, तुझे धक्का सा दिया था। अच्छा सॉरी, ये गलती से लग गया, थोड़ा मैंने यूं करना, दूर से निकालना था। डोंट टॉक टू मी नाउ, ओके? पूरा लग गया, जस्ट ऑफ। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। आज के बाद ना बिल्कुल मुझसे बात मत करियो, इतनी जोर से चाटा मारा है ना तूने, आज के बाद तू व्लॉग में भी नहीं आएगा। अच्छा, इसका लास्ट व्लॉग है गाइस ये, अब एंड। बेटा मान गया ना मैं, लास्ट व्लॉग ही हो जाएगा ये मेरा, और इस व्लॉग अब ये एंड व्लॉग ही है तुम्हारा, ये लास्ट व्लॉग है तुम्हारा। हाँ मेरा लास्ट व्लॉग है, ठीक है गाइस, ये मेरा लास्ट व्लॉग है, इसके बाद में कोई व्लॉग में नहीं आने वाला, आपको सिर्फ ये खड़ूस चुड़ैल थोपड़ा देखने को मिलेगा। मजाक कर रहा हूं गाइस, हर व्लॉग में मिलूंगा आपको। सूट से गलती से लग गया था ना, सॉरी, मैं तो पता है मैंने यूं निकालना था, वो गलती से लग गया। ले चूटी मार ले मेरे को, चूटी मार ले, चक्की मार ले, इस पे मार चक्की, ऐसे में बड़ा सख्त लौंडा हूं। लेकिन यार यहां में पिघल इधर बराबर गाइस, नो लास्ट व्लॉग। ये है जहाँ पर हम आए हैं लाइट्स लेने के लिए, अभी ऊपर जाके देखते हैं, वैसे तो बहुत अच्छी अच्छी लग रही है यहाँ पे, लेट्स सी। ऊपर है भैया कोई? कुछ पसंद आया? हाँ, एक लाइट पसंद आई है, वो वाली, वो दिखा दो आप। हार्ट वाली लेकिन वो कहाँ पे लगाएंगे, कैसे लगाएंगे, वो हम अभी आपको नहीं बताएंगे।
ऊपर चलते हैं। गाइस तो हम फ्री हो गए थे लाइट्स वगैरह सब कुछ से, अभी हमने पसंद कर लिया है लेकिन अभी ली नहीं है क्योंकि हमारे को पहले फिटिंग्स वगैरह देखनी पड़ेंगी और फिर हमें लग रही थी बहुत तेज़ भूख, तो पहले हम गए बर्गर किंग, वहाँ से शिवम ने ली ये जो ये भूख कड़ खा रहा है और फिर अब हमने पैक, हाँ दे ना, अभी तक नहीं दे रहा था और अब तुम्हारे सामने कह रहा है खा ले थोड़ी सी और फिर अब हमने डोमिनोज से गार्लिक ब्रेड्स वगैरह ऑर्डर करी है और फिर हम ये लेके चले जाएंगे घर और घर बैठ के आराम से खाएंगे। तो गाइज पूरा भरपेट खाने के बाद ये भाई साहब तो लग गए हैं एज यूजुअल फोन पर और मैं इतनी थक गई हूँ कि मन कर रहा है बस कहीं जाके ऐसे लेट जाऊँ। तो मैं अब जाने वाली हूँ अपने बेड पे लेटने के लिए और मैं आपको घर का पूरा इंटीरियर दिखाने के लिए इतनी ज्यादा एक्साइटेड हूँ ना, एक एक चीज चुन चुन के चुन चुन के हमने लगवाई है, चाहे फिर वो सोफा हो, चाहे फिर वो डाइनिंग टेबल हो, बेडरूम हो, बहुत बहुत बड़ा काम है भाई, घर बनाना ना इज़ लाइक अ वेरी 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 बिग टास्क और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आपको दिखाने के लिए। तो उसके लिए स्टे ट्यून्ड क्योंकि अभी होम टूर आने में टाइम लगेगा, मोस्ट प्रोबेबली हम अप्रैल फर्स्ट वीक में शिफ्ट हो जाएंगे या सेकेंड वीक मैक्स, उसके बाद आएगा होम टूर, स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। आई होप यू गाइज एन्जॉय टुडेज़ व्लॉग। ओके गाइज बाय, टेक केयर।